आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह से अक्सर लार आती रहती है, मुंह से पानी निकलता रहता है, और वो इन्फेंट स्टेज से जब बाहर निकल जाते हैं तो भी बहुत से लोग जो सोते वक्त उनके मुंह से आपने नोटिस किया होगा कि मुंह पानी से भर जाता है या मुंह में से पानी निकलने लगता है, जो आपके पिलो पे अक्सर आपने देखा होगा कि गिरा हुआ दिखता है, ये एक खास इंडिकेशन है ये बताने के लिए कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका पेट ठीक नहीं है। आप चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा इंसान है, उसका पेट और उसका लिवर उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये उसका सिम्टम है जो आपको इंडिकेट करता है। तो जो छोटे बच्चों के लार आती है तब उनके लिए सबसे सही उपाय यही है कि आप पानी को अजवाइन में उबालिए, यानी कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच उबालिए, साथ में 2 चम्मच उसमें सौंफ डालिए, जब वो आधा रह जाए धीमी आंच पे पकाने के बाद उसको छान लें और बच्चे को 3 से 4 बार 2-2, 3-3 चम्मच करके पिलाएं, तो उनका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और उनको मुंह में से आने वाली लार भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर बड़े इंसानों के ऐसा आता है तो वो अपनी डाइट में सेंधा नमक मिला के कच्चा अदरक पीसीस कर लें और साथ में हरी मिर्च काट लें और थोड़ा सा नींबू डाल लें, वो खाने के साथ उसको लेंगे तो उसका डाइजेशन भी उनका ठीक होगा। और अगर लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो कासनी और मकोए को पानी में बॉईल करें और उसका डिकॉक्शन बना के 20 ml सुबह और 20 ml शाम पिए, आप नोटिस करेंगे कि 15 से 20 दिन में इस तकलीफ से छुटकारा मिल गया है और आप एक स्वस्थ डाइजेशन के साथ एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। ज़रूरी है कि आप हर छोटे छोटे सिम्टम से अवेयर हों और उसको इग्नोर ना करके उसका इलाज करने की कोशिश करें और 100% आयुर्वेद को अपनाएं ताकि आपके जीवन में छोटी छोटी तकलीफें बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बचा के रखें।